नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु रतेवाल और आप हैं अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसिबो पे। इंडिया का नंबर वन चैनल है नीट और एम्स की प्रिपरेशन के लिए। इस चैनल पर हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। और ना सिर्फ लाइव क्लासेस देते हैं, हम आपके लिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, पास्ट एम्स क्वेश्चंस, पास्ट नीट क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि आप नीट 2020 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी शाम को 4 बजे और 6 बजे, आधे आधे घंटे का सेशन होगा। और एक बार जो आपने मुझसे पढ़ लिया, आई प्रॉमिस यू, वो आपको 100% समझ में आएगा। आज का टॉपिक है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। बहुत गंदा सा टॉपिक लगता है, तुम लोगों को पता नहीं चलता इसमें क्या पढ़ना है, कितना समझना है। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आज तुम लोगों को एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई करना है, उस पर कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आज हम बात करेंगे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए, ये लिंक डालिए तो आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। हमारी सभी नोटिफिकेशन, सभी डायरेक्शंस जो हम अपने बच्चों को देते हैं कि बेटा इस तरीके से कोई एग्ज़ाम डेट आ गई है या कोई क्लास होने वाली है या कोई स्पेशल सेशन होने वाला है, तो वहाँ पर आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। सो ये हो जाना चाहिए। अनअकैडमी प्लस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब की तरह ही। अनअकैडमी प्लस पे मैं अपना पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगी, प्लस वन और प्लस टू बायोलॉजी, पूरा का पूरा, मतलब बॉटनी और जूलॉजी टोटल में। मैं ही नहीं, वहाँ पे 40 टीचर्स अपने कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, इंडिया के टॉप 40 टीचर्स, दे आर टीचिंग देयर राइट नाउ लाइव, एवरी डे दे आर पुटिंग देयर लाइव क्लासेस, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब को भी ज्वाइन कर रहे हैं लाइव क्लासेस में। वो अपने अपने कोर्सेज बना रहे हैं, ठीक है। सो अनअकैडमी प्लस का फ़ायदा ये, पहली बात तो आप अपना टीचर चूज़ कर सकते हैं कि आप इन 40 टीचर्स में से किससे पढ़ना चाहते हैं। 3 टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं, 10 टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। देन जितने भी टीचर्स को आप फॉलो करते हैं, हर टीचर अपने क्विजेज अपलोड करता है, तो जो भी वो टॉपिक पढ़ाते हैं उसके बाद वो एक क्विज देते हैं। क्विज देने से आपको आइडिया लग जाता है कि आपको वो टॉपिक समझ में आया है कि नहीं आया है। देन हर टीचर अपना एक कोर्स बना रहा है, कोई रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा है तो कोई ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ा रहा है, तो आपको किसी टॉपिक की वेट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे अब ये टॉपिक पढ़ना था और अब पता नहीं वो कब आएगा करके। नो, वो टॉपिक कोई ना कोई पढ़ा रहा होगा या पढ़ा चुका होगा, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। सो आप अपनी मर्जी के टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपको लगता है कि आपके वीक टॉपिक्स हैं। देन सबसे बड़ी बात, हमारे पास हर संडे के संडे टेस्ट सीरीज चलती है। आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की अलग से पैसे देके। दिस टेस्ट सीरीज इज इंक्लूडेड इन दिस पैकेज, ठीक है। ड्रॉपर्स के लिए अलग टेस्ट सीरीज़ है, प्लस वन के लिए अलग, प्लस टू के लिए अलग, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे या एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको साथ साथ में आइडिया लगता रहेगा कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये सभी, क्योंकि नीट में सिर्फ 6 महीने बचे, ये पूरा 6 महीने का पैकेज आपको सिर्फ 21,600 रुपये में मिलेगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फ्रंट पेज खुलेगा, प्लस के सेक्शन पे जाना है, क्योंकि आप अनअकैडमी प्लस लेना चाहते हो ना। देन नीट एंड एम्स का सेक्शन चूज़ करना है, देन गेट सब्सक्रिप्शन चूज़ करना है। उसके बाद आपको टाइम बताना है, आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर किसके लिए ज्वाइन करना चाहते हो। यदि तुम 2020 के एस्पिरेंट हो, नीट 2020 के एस्पिरेंट हो, तो ये तुम्हारे लिए सूटेबल है। यदि तुम प्लस वन के स्टूडेंट हो, 2021 में तुमको एडमिशन लेना है, तो तुम ये 1 ईयर वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या 2 ईयर वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। देखिए 6 मंथ्स की फीस दिखा रहा है 24,000। हालांकि ये ऑफलाइन से या किसी भी और कोचिंग सेंटर, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, उससे तो बहुत कम है, पर उसको भी कम करने का तरीका है, और ज़्यादा कम। मैं आपको बताती हूँ कैसे। 6 मंथ्स का 24,000 है, 1 ईयर का 30,000 है। आपको हर फीस पे, आप चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, आपको 10% ऑफ मिलेगा। यदि जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको एक कोड यूज़ करना है, वैसे मान लो आपने 1 ईयर पे क्लिक किया, ठीक है, 1 ईयर का फीस आपको 30,000 दिखा रहा है, परंतु आपको एक कोड डालना है, ऋतु लाइव, ऋतु मेरा नाम है और लाइव वहाँ पे क्लासेस हैं, ऋतु लाइव कोड डालते ही आपको 10% ऑफ मिलेगा आपकी फीस में इंस्टेंटली। जो 30,000 लिखा हो रहा था, अब वो 27,000 लिखाएगा। सिमिलरली अगर आप 6 मंथ्स में क्लिक करते हो, 24,000 की जगह 21,600 लिखाएगा। इतने सस्ते में आपको ये सब कुछ मिल रहा है, 40 टीचर्स की क्लासेस। इनफैक्ट डीसी पांडे सर पढ़ाने आ चुके हैं अनअकैडमी प्लस पे, डीसी पांडे सर जिनकी बुक्स बिकती हैं। सो वी हैव एब्सोल्युटली वंडरफुल फैकल्टीज एंड यू कैन नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न, बिकॉज इतने सस्ते में इतने इंडिया के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाते हुए कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं।
आप समझना चाहते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये पता नहीं कहाँ चला गया है, मेरी राइटिंग जाती है ऐसे एरोप्लेन की तरह, ठीक है, तो वो भी कुछ ऐसा ही गया है। ठीक है, पहली बात तो ये दो साइंटिस्ट थे, मिस्टर हार्डी एंड मिस्टर वीनबर्ग, ये ब्रिटिश थे, TISH, और ये जर्मन थे। इन्होंने इंडिपेंडेंटली इस लॉ को, इस इक्वेशन को, इस इक्विलिब्रियम को डिस्कवर किया था और 1908 में इसे पब्लिश किया था। हालांकि नीट में ना तो तुमसे ये कंट्रीज पूछी जाएंगी ना ये ईयर पूछा जाएगा, जस्ट फन फैक्ट्स हैं ये। ठीक है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को समझने के लिए तुम्हें एक टर्म समझनी पड़ेगी, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मीनिंग समझना पड़ेगा तभी तुम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम समझ सकते हो। पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीशीज लिविंग इन एन एरिया एंड इंटरब्रीडिंग। लिख दो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है समझने के लिए, एंड इंटरब्रीडिंग। अभी सुनिए, ह्यूमन बींग्स की एक स्पीशीज है, दुनिया में कोई भी ह्यूमन बींग किसी भी ह्यूमन से इंटरब्रीड कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि यदि हम जापान के लोगों से या अमेरिका के लोगों से इंटरब्रीड करेंगे तो हमारे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स नहीं पैदा होंगे। हम एक ही स्पीशीज हैं, ऐसा नहीं होता ना, सबके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। तभी तुमने देखा होगा बहुत सारे इंटरकल्चरल मैरिजेस तुमको देखने को मिलती हैं, राइट? पॉपुलेशन क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली एक स्पीशी की कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर वन, मेंबर टू, मेंबर थ्री, मेंबर फोर, मेंबर फाइव, इस तरीके से कुछ मेंबर्स हैं। अब क्योंकि ये एक ही एरिया में रहते हैं तो इनको इंटरब्रीड करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरी पॉपुलेशन से ब्रीड नहीं करेंगे, मान लो यहीं पे कोई पास में और भी पॉपुलेशन रहती है तो कभी कभी रेयरली इससे भी ब्रीडिंग होगी। ऐसा नहीं कि ये कहेंगे हम तो एक पॉपुलेशन के मेंबर हैं हम तो ब्रीड नहीं करेंगे, नो, दूसरी पॉपुलेशन से भी ब्रीडिंग होगी, लेकिन मोस्टली ये इंटरब्रीडिंग ही करेंगे। तो ये जेनेटिकली आपस में ज़्यादा रिलेटेड है देन किसी और पॉपुलेशन के लोगों से, ठीक है। आइसोलेटेड पॉपुलेशन आपको आइलैंड्स पे मिल सकती है क्योंकि आइलैंड्स के लोग जनरली उसी आइलैंड पे रहते हैं, बाहर बहुत कम जाते हैं तो वो आपस में ही मेटिंग करते हैं, जैसे जापान का आइलैंड, जैसे ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। सो पॉपुलेशन का मीनिंग हमको समझ में आ गया, पहली बात, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन स्पीशी, ठीक है। अब मान लो इस, सपोज दिस इज द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देर आर 100 पीपल, there are 100 people in this population. Now, तुमको पता है हर character के लिए एक organism के अंदर दो genes या दो alleles present होते हैं, है ना, जैसे eye color के पास मेरे लिए, के लिए मेरे पास दो alleles हैं, क्योंकि हर organism, हर human being diploid है, तो 23 क्रोमोसोम्स मदर की साइड से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स फादर की साइड से आते हैं, तो हमारे पास टोटल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इस तरीके से 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बोलो होते हैं। अभी मान लो यहाँ पे आई कलर का जीन है, ये एट दिस लोकस, लोकस मतलब एट दिस पोजीशन आई कलर का जीन है, तो यहाँ पे भी आई कलर का जीन होगा, यहाँ पे भी आई कलर का जीन होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे सेम प्रकार का जीन रहता है, पर ये ब्लैक आई कलर का जीन है, ये ब्राउन आई कलर का जीन है, ठीक है। ब्लैक आई कलर के जीन को मैं बड़ा भी लिख देती हूँ और सपोज ब्राउन आई कलर के जीन को मैं छोटा भी लिख देती हूँ,
तो दिस पर्सन, इसका अगर मैं सिर्फ आई कलर के लिए बात करूं तो इसका जेनेटिक मेकअप बन गया बीबी, समझ रहे हो? मैं ये क्यों बता रही हूं, मैं कहना चाहती हूं कि हर कैरेक्टर के लिए एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू एलील्स। तो आई कलर के लिए भी मेरे अंदर भी दो एलील्स हैं, तुम्हारे अंदर भी दो एलील्स हैं, तुम्हारे पड़ोसन के अंदर भी दो एलील्स हैं। तो अगर मैं 100 इंडिविजुअल्स की बात करूं, यहां पे आई कलर के लिए कितने एलील्स होंगे? कॉमन सेंस, आई कलर के लिए कितने एलील्स होंगे यहां पे? 200 एलील्स फॉर आई कलर। ये बात एग्री करते हो तुम? 200 एलील्स होंगे, एक के अंदर दो होंगे तो 100 के अंदर 200 एलील्स होंगे। अब मान लो इन 200 एलील्स में से 120 एलील्स ब्लैक आई कलर के हैं और 80 एलील्स ब्लू ब्राउन आई कलर के हैं। इन 200 एलील्स में से सपोज, आगे लिख रही हूँ, इन 200 एलील्स में से 120 एलील्स बी हैं एंड 80 एलील्स स्मॉल बी हैं, तो ये आपस में किस रेशियो में हो गए? 4:3:2 की रेशियो में मिलने लग गए। इसे मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ, इसी बात को 3:2 की रेशियो को मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ। मैं कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी को पी मान सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू पी मान लेती हूँ एक बार, फ्रीक्वेंसी क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ, स्मॉल बी को मैं क्यू मान लेती हूँ। सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है? अभी तक तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी वाली बात छोड़ के सब कुछ समझ में आया होगा। अभी तक मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि पॉपुलेशन क्या होती है, एक मिनट तुम लोगों से मैं बात ही कर लेती हूँ। फ्रीक्वेंसी वाली बात छोड़ के सब कुछ समझ में आया है? बोलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मनदीप सिंह, तनिष्का मिश्रा, शून्य मनदीप, विश्वनाथ शिंदे, आज स्पेशल क्लास नहीं है बच्चों, कल स्पेशल क्लास लगाऊंगी मैं, नीता गुप्ता, आनंद जायसवाल, शोएब मलिक, आदित्य सतले, बिजित द्योरी, हेलो। अच्छा मुझे बताओ, इतनी बात हमें समझ में आई है? हेलो कम्युनिकेशन, हेलो, बहुत दिनों बाद हेलो हाय हुई है बच्चों। इतनी बात समझ में आई है कि एक पॉपुलेशन होती है, एक स्पीशीज़ के कुछ ऑर्गेनिज्म जो साथ में रहते हैं और इंटरब्रीड करते हैं, और हर एक ऑर्गेनिज्म के पास किसी भी कैरेक्टर के लिए दो एलील्स होते हैं। जैसे आई कलर के लिए हर एक के पास दो एलील्स होते हैं, तो अगर 100 की पॉपुलेशन है तो 200 एलील्स होते हैं। अब 200 एलील्स ऐसा तो नहीं है कि 100 ब्लैक वाले होंगे और 100 ब्राउन वाले होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। मान लो मैंने कोई हाइपोथेटिकल रेशियो ले ली कि 120 जो है वो ब्लैक वाले हैं और 80 जो है वो ब्लू वाले हैं, तो उनकी रेशियो 3:2 हो गए। अब इसी को लिखने का एक और तरीका है, बी की फ्रीक्वेंसी मैं पी मान लेती हूँ और छोटे बी की फ्रीक्वेंसी मैं क्यू मान लेती हूँ। फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, वो ये कि कितनी बार आपको पॉपुलेशन में वो चीज़ मिल रही है, कितनी ज़्यादा मिल रही है। कैपिटल बी ज़्यादा मिल रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, स्मॉल बी कम मिल रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसीज को हम पी और क्यू से डिनोट कर देते हैं, और हम मानते हैं किसी एक कैरेक्टर के लिए, जैसे आई कलर है, उसके सभी एलील्स की फ्रीक्वेंसी मिला के 1 होती है। फॉर वन कैरेक्टर, यहां पे कैरेक्टर क्या है हमारा? आई कलर, आई कलर है। आई कलर के लिए उसके सभी एलील्स की फ्रीक्वेंसी को मिला के, यहां पे 2 ही एलील्स मैंने लिए हैं तो सभी एलील्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? पी प्लस क्यू को मिला के टोटल फ्रीक्वेंसी हम 1 लेते हैं। अब देखो, इसमें कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है कि मैम 1 क्यों लेते हैं, आप इसको 100 भी ले सकते हो, ठीक है, आप इसको 1000 भी ले सकते हो, बस बाय कन्वेंशन हम इसको 1 लेते हैं। अब देखो बहुत इजी है ये, तुम लोगों को लग रहा है इट्स वेरी इजी, 3:2 की रेशियो है ना। अगर मैं 1 में से 3:2 की रेशियो निकालने लगूं तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि ये 0.6 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। मुझे बताओ क्या ये जस्टिफाइड है? 0.6 प्लस 0.4, क्या 0.6 और 0.4 की वही रेशियो है 3:2? करके देखो,
0.6 अपॉन 0.4, पॉइंट पॉइंट हटा दूँ, 2 जो 4, 2 3 जो 6, 3 टू 2 के रेशियो आ गए। कुछ नहीं है, मैंने उसको 1 के हिसाब से लिख दिया है। इसी बात को 3 टू 2 की रेशियो को मैंने 1 के हिसाब से लिख दिया, 0.6 टू 0.4। एक और एग्जांपल देखो, मैं तुम्हें करके बताती हूँ। मान लो ये एग्जाम्पल टू देखो, मान लो इस पूरी पॉपुलेशन जो 100 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है, उसमें जो ब्लैक आई कलर का एलील है, मान लो वो 160, 200 में से 160 होता और स्मॉल बी होता सिर्फ 40, ठीक है, मान लो ये रेशियो में मिलते हैं वो। तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी पी है, इसकी क्यू है, अगर मैं इसको पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिखना चाहती तो मैं इसको कैसे लिखती, देखते हैं रेशियो क्या बन रही है। 4:1 की रेशियो बन रही है इनकी, 160 अपॉन 40, 4:1 की रेशियो मिल रही है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती थी, 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1। पॉइंट एट और 0.2 की रेशियो क्या है, 4:1 की रेशियो है ना। पहला बात तो तुमको ये आना चाहिए, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, एक कैरेक्टर की सभी एलील्स की फ्रीक्वेंसी मिला के हमेशा 1 होती है। मेरा हेयर कलर जो है उसके सभी एलील्स, कोई ब्राउन हेयर कलर के लिए भी एलील होता होगा, कोई ब्लैक हेयर कलर के लिए भी एलील होता होगा, है ना, उसके सारे एलील्स की फ्रीक्वेंसी मिला के 1 होएगी। आई कलर के लिए 1 होएगी, हाइट के लिए 1 होएगी, सभी एलील्स की फ्रीक्वेंसी। लेकिन जो हम क्वेश्चन करते हैं, हम सिर्फ 2 ही एलील्स की बात करते हैं, ठीक है, हम 2 ही एलील्स मान के चलते हैं। सभी एलील्स की फ्रीक्वेंसी मिला के 1 होती है, ठीक है, और आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी रेशियो दी हुई हो तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं आपको एक दे दूँ तो आप दूसरी के भी रेशियो निकाल सकते हो। मैं कहूँ कि ब्लैक का जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.3 है, मान लो बड़े की, ब्लैक बिग बी की जो फ्रीक्वेंसी है 0.3 है, तो आप छोटे बी की निकाल सकते हो, 1 में से माइनस कर दो, 0.7 आ गया, समझ रहे हो। या मैं दोबारा से एग्जांपल देती हूँ, मान लो ब्लैक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.7 है, तो छोटे बी की निकाल सकती हूँ मैं 0.3, 1 में से माइनस कर दो। सो अगर पी दिया हो तो क्यू निकाल सकती हूँ, क्यू दिया हो तो पी निकाल सकती हूँ। इतनी बात क्लियर है। अब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है, इतनी बात क्लियर है मुझे, बोलो तो प्यारे बच्चों बोलो। प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सब नवंबर में होगा। प्लांट फिजियोलॉजी तो नवंबर में शुरू कर ही दूंगी मैं, पहले मुझे बताओ ये वाली बात क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है। चलो मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, एक पॉपुलेशन है, ठीक है, देयर इज अ पॉपुलेशन, उसमें बिग बी की फ्रीक्वेंसी 0.2 है, स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी बताओ तो कितनी होगी। ये ब्लैक आई कलर के लिए है और ये ब्राउन आई कलर के लिए, इजी क्वेश्चन, बोलो उत्तर देंगे अभी जल्दी से। अंशुराज मैं अच्छी हूँ, तुम अच्छे हो, बहुत दिनों बाद आए हो क्लास में, उत्तर दो तो। सिंपल बात बोली मैंने, बड़े बी की फ्रीक्वेंसी 0.2 है तो छोटे बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बोलो तो, इजी क्वेश्चन, बोलो बोलो बोलो। कुमार सत्यम, प्रीतम यादव बोलिए। तुम लोगों को मेरी बातें थोड़ा लेट मिलती हैं, है ना, देर इज अ टाइम लैग, तभी मुझे तुम्हारे आंसर्स नहीं मिलते। यस इजी इजी, शून्य राइट, अरिंदम पाल राइट, गीतिका 1, 2, 3 राइट, कुमारी केशन राइट, राइट बिल्कुल सही। अगर ये 0.2 है तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, पी मुझे दी हुई है 0.2, क्यू निकालनी है तो क्यू आराम से निकल जाएगा, 1 में से 0.2 माइनस कर दूंगी तो 0.8 आ जाएगा। इस तरीके से तुम फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी एग्जांपल्स हैं, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ये कहता है कि ये जो 100 लोग थे उस पॉपुलेशन में, देयर वर 100 पीपल, एंड उनकी फ्रीक्वेंसीज मान लो जो हमने ओरिजिनल ली थी, मान लो
ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी ली थी मैंने, एक मिनट, मान लो ये उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 0.6 और 0.4 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। अगर इसमें बी की फ्रीक्वेंसी 0.6 है और छोटे बी की फ्रीक्वेंसी 0.4 है, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर पे, अब जब इस पॉपुलेशन में मेटिंग होगी और नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, मान लो 100 लोगों ने 100 बच्चे और पैदा कर दिए, तो नेक्स्ट 100 बेबीज हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो 100 बेबीज में भी 200 एलील्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर इन 200, इन 100 बेबीज में भी, 200 एलील्स में भी यही रेशियो रही कि यही रेशियो रही, तो मैं जो पहले पेरेंट पॉपुलेशन में रेशियो थी वही बच्चों के पॉपुलेशन में रेशियो रही, तो ये पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। पेरेंट पॉपुलेशन में किसी भी जीन के लिए एलील्स की जो रेशियो है, यदि वो अगली जनरेशन में भी सेम है, यहाँ पे भी 0.6 टू 0.4 है, आगे बच्चों में भी 0.6 टू 0.4 है, तो इस पॉपुलेशन को मैं कहूँगी ये हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है पॉपुलेशन। एंड जब कोई पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में होती है तो देर इज नो एवोल्यूशन, कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है। इसके लिए ऑफकोर्स कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपको रैंडम मीटिंग चाहिए होती है, कोई भी प्रेफरेंशियल मीटिंग नहीं चाहिए होती है, ठीक है। प्रेफरेंशियल मीटिंग क्या होती है, लड़कियां से कहती हैं ओ मैं तो लंबी हाइट के लड़के से ही शादी कर सकती हूँ, मैं तो नीली आंखों वाले लड़के से ही शादी कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे प्रेफरेंशियल मीटिंग होती है ना हमारी। तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने के लिए देयर हैज टू बी नॉन रैंडम मीटिंग, रैंडम मीटिंग एंड पॉपुलेशन साइज शुड बी लार्ज, इन अ लार्ज पॉपुलेशन, तभी ये रेशियो कांस्टेंट रह सकती है और तभी ऐसा हो सकता है कि कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है। इसका तुम एग्जांपल ले सकते हो, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, प्लांट्स में एग्जिस्ट कर सकता है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। या मान लो फिश के एग्जांपल लो, फिश में क्या होता है, फिश में क्या होता है, देखो एक फीमेल फिश है, वो अपने ओवम रिलीज कर देती है वाटर में। अब वो ऐसे चूज नहीं करती ना कि उसी मेल फिश के स्पर्म से ही मैं फर्टिलाइज कराऊंगी, ऐसा नहीं है ना, रैंडमली। और यहाँ पे कितना भी मेल फिश है, यहाँ पे कोई मेल फिश है, यहाँ पे कोई मेल फिश है, ये पता नहीं क्या बन गया डॉल्फिन, बट ठीक है, इनसे स्पर्म रिलीज हो रहे हैं। अब रैंडमली किसी का भी स्पर्म इसके एग से मेट कर सकता है ना, है ना, तो रैंडम मेटिंग हो गई। सो जिसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है उसमें रैंडम मेटिंग हो सकती है, या फिर प्लांट्स में रैंडम मेटिंग हो सकती है कि एक बार पोलन उड़ के गया तो वो कहीं पे भी चला गया, तो किसी से भी वो जाके किसी भी प्लांट पे बैठ सकता है। ह्यूमंस में हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ह्यूमंस में रैंडम मेटिंग होती नहीं। हम क्या करते हैं, सुबह निकलते हैं, आहा आज तो रिक्शे वाला दिख गया उसी शादी कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। वी हैव वेरी स्पेसिफिक मीटिंग, नहीं ऐसा लड़का वैसा लड़का, ये लड़की वो लड़की, है ना। सो ह्यूमंस में तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ऐसे स्पीशीज में कर सकता है जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, कोई भी कहीं से भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, या प्लांट्स में, ठीक है। क्या क्या बातें याद रखनी है हमको, नॉन रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, आई एम सॉरी रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, आई एम सॉरी नॉन रैंडम नहीं रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग इन अ लार्ज पॉपुलेशन होती है, तभी ऐसा हो सकता है कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं मैं तुम्हें बताती हूँ। यदि अच्छा इतनी बात समझ में आई है, बोलो हाँ, हो सकता है, हो सकता है बेटा, इतनी बात समझ में आई है, बोलिए इतनी बात समझ में आई है, जवाब देंगे बेटा उसके बाद आगे चलूंगी। हेलो अनारकली, इतना बात क्लियर है, आगे चलूं, गुड गुड गुड, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स। नाउ नाउ अब इसमें न्यूमेरिकल किस प्रकार के आते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में,
एक्चुअली में यदि हमें पी और क्यू फ्रीक्वेंसीज दी हुई हो, ठीक है, यदि मान लो मुझे किसी पॉपुलेशन में पी और क्यू फ्रीक्वेंसीज दी हुई हो, ठीक है, मान लो पी मुझे दी हुई है 0.6 और क्यू दिया हुआ है 0.4, तो मैं इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स का परसेंटेज बता सकती हूँ। मान लो मैं एक पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, एक पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ जिसमें 100 लोग हैं, 100 पीपल आते हैं, ठीक है। अब मैं, अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, तो मैं बता सकती हूँ इस पॉपुलेशन में से कितने लोगों का जेनेटिक मेकअप होमोजाइगस ब्लैक होगा, कितने लोगों का जेनेटिक मेकअप होमोजाइगस ब्राउन होगा, और कितने लोगों का जेनेटिक मेकअप हेटेरोजाइगस ब्लैक होगा। तीन प्रकार के इंडिविजुअल्स एक्जिस्ट करेंगे ना इस पॉपुलेशन में, बीबीबी, बड़ा भी ब्लैक आइज के लिए, छोटा भी ब्राउन आइज के लिए। मान लो सपोज ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन, या बड़ा भी छोटा भी ब्लैक आइज के लिए बट हेटेरोजाइगस, ठीक है। तीन ही प्रकार के इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करेंगे अगर आई कलर की मैं बात कर रही हूँ तो इनका परसेंटेज कैसे निकालूंगी मैं एक पॉपुलेशन में। एक सिंपल सी इक्वेशन होती है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 1। ये सिंपल इक्वेशन याद करनी है। ये इक्वेशन याद करना बहुत आसान है, तुमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, बस यही फॉर्मूला है, इधर वाला फॉर्मूला हमने पिक कर लेना है, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर मुझे इस होमोजाइगस ब्लैक वाले की परसेंटेज निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, बीबी की कैसे निकालूंगी, पी इंटू पी कर दूंगी, क्योंकि बी वाले का पी फ्रीक्वेंसी होती है ना, पी कितनी है 0.6, तो मैं कर दूंगी 0.6 इंटू 0.6, मुझे मिल जाएगी पी स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी 6 × 36, 0.36, मतलब कि 36% लोगों के पास ये जेनेटिक मेकअप है, ये वाला जेनेटिक मेकअप है। अब मैं जानना चाहती हूँ ये कितने परसेंट लोगों के पास है, क्यू स्क्वायर से निकल जाएगा, बहुत ईजी है, 0.4 × 0.4 कितना बना, 4×4 = 16, 0.16 बन गया, मतलब कि 16% लोगों के पास ये जेनेटिक मेकअप है। देन अगर मैं हेटेरोजाइगस की बात करूँ, कभी भी बी बी से नहीं निकाल देना, पी क्यू नहीं कर देना, सीधा पी इंटू क्यू नहीं कर देना, 2PQ से निकलेगा। ये नीट का क्वेश्चन आया था, नीट में क्वेश्चन था, अगर किसी पॉपुलेशन में हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सो आंसर वॉज 2PQ। पी और क्यू से आंसर, बड़े सारे ऑप्शन थे, पी क्यू वॉज ऑल्सो वन ऑप्शन, 2PQ वॉज ऑल्सो वन ऑप्शन, सो 2PQ वॉज द आंसर। गलत करके आए थे बहुत सारे बच्चे, इतना ईजी क्वेश्चन। तो अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना है हेटेरोजाइगस का, तो मैं करूँगी 2 × 0.4 × 0.6, कितना बना, 6×4 = 24, 2×48, 0.48, विच इज इक्वल टू 48%। क्या ये बात समझ में आई है, बोलो बच्चों। अरे रैंडम मेटिंग से तो एवोल्यूशन नहीं हो रहा है शेख रोबा, तुमने गलत समझा है। रैंडम मेटिंग तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए चाहिए। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन हो गया तो एवोल्यूशन हो ही नहीं रहा है। थोड़ा सा गलत समझ गए बेटा तुम, देखो वापस आओ, शेख रोबा तुम्हारे लिए बता रही हूँ। जब भी रैंडम मेटिंग होती है इन अ लार्ज पॉपुलेशन, तब हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है, और इसका मतलब है नो एवोल्यूशन। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने का मतलब है नो एवोल्यूशन। तो हम तो चाहते ही नहीं कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करे ह्यूमन पॉपुलेशन में, हम तो एवोल्यूशन चाहते हैं ना, ठीक है, ओके। चलो अब बस क्लास खत्म कर रही हूं मैं, अभी एक बात मेरी आखिरी बात सुन लो, अगली क्लास में हमें क्या पढ़ना है। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए 4-5 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है,
अगर वो फैक्टर्स पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को ख़राब करेंगे, मतलब एवोल्यूशन होगा। इसका मतलब 4-5 फैक्टर्स हैं जो कि एवोल्यूशन कराते हैं। फॉर एग्जांपल, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक माइग्रेशन, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, नॉन रैंडम मेटिंग, ये सभी चीज़ें जो हैं वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को छेड़ती हैं और एवोल्यूशन कराती हैं। इन 4-5 फैक्टर्स को मैं तुम्हें अगली क्लास में समझाऊंगी, तो अगली क्लास में प्रेजेंट ज़रूर रहना है ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम समझ में आ सके, और साथ में मैं हो सका तो 2-3 न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगी ताकि हार्डी विनबर्ग पे आने वाले न्यूमेरिकल्स तुम्हें ईजिली समझ में आ जाएं। आई होप ये टॉपिक जो मैंने जितना पार्ट आज करा दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, आज जितना पार्ट मैंने करा दिया आई होप इतना पार्ट तुमको समझ में आ गया है। अगर तुम चाहते हो रिकैप कर दो तो मैं रिकैप कर देती हूँ। क्या क्या बोला है मैंने, मैंने कहा है पॉपुलेशन क्या होती है, एज स्पीशीज़ के वो इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, एक जगह पे रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरी पॉपुलेशन से ब्रीड नहीं कर सकते, करते हैं बट रेयरली करते हैं, आपस में ब्रीड करते हैं। पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के पास 2 एलील्स होते हैं किसी भी कैरेक्टर को लेके, तो अगर 100 मेंबर्स हैं तो उसके पास आई कलर के 200 एलील्स होंगे, ठीक है, ब्लैक आई कलर के लिए, ब्राउन आई कलर के लिए, सपोज फॉर एग्जांपल। अब ये कुछ रेशियो में मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि 50-50% मिलेंगे, ब्लैक आई कलर वाला मान लो अगर 30% है तो 70% ब्लू आई कलर वाला होगा। तो ये जो रेशियो है, ये जो परसेंटेज है, हम उसको डिनोट कर देते हैं फ्रीक्वेंसीज से, पी और क्यू से, ठीक है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं हम। मान लो अगर पी जो है ब्लैक वाले की फ्रीक्वेंसी 0.2 है तो क्यू की 0.8 हो जाती है, अगर पी की 0.7 है तो क्यू की 0.3 हो जाती है, पर टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 रखनी है हमने। तो हमें एक इक्वेशन याद रहती है, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, एलीलिक फ्रीक्वेंसीज को निकालने के लिए। देखो मेरे प्यारे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, एलीलिक फ्रीक्वेंसीज को निकालने के लिए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 वाला लगाएंगे। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, वो तो सिर्फ एलीलिक फ्रीक्वेंसी थी, अगर ऑर्गेनिज्म निकालने हैं कि एक पॉपुलेशन में कैसा ऑर्गेनिज्म मिल रहा है आपको, होमोजाइगस ब्लैक, होमोजाइगस ब्राउन या फिर हेटेरोजाइगस, तो आपको ये इक्वेशन निकालनी है। एक और आपको इक्वेशन लर्न करनी है, कहां गया, ये वाली इक्वेशन लर्न करनी है, समझ में आया, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 एलीलिक फ्रीक्वेंसीज के लिए लर्न करनी है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ ये ऑर्गेनिजम्स की परसेंटेज निकालने के लिए लर्न करनी है। अगर होमोजाइगस ब्लैक कितने बंदे हैं वो पी स्क्वायर से निकल जाएगा, होमोजाइगस ब्लू कितने बंदे हैं, ब्राउन कितने बंदे हैं, क्यू स्क्वायर से निकल जाएगा, और हेटेरोजाइगस कितने इंडिविजुअल्स हैं वो 2PQ से निकल जाएगा। ये 2 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद हम फैक्टर्स डिस्टर्बिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जो कि मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर तुमको समझ में आया है तो वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे, जितना तुम लाइक करते हो मेरी वीडियोस को, जितना तुम लाइव क्लासेस में पढ़ने आते हो, मुझे उतना ही समझ में आता है कि तुम्हें मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन क्लासेस बनाने की कोशिश करती हूँ। यदि तुम इसी तरीके से सिलेबस पढ़ना चाहते हो पूरा, ओके, एंड इतने कम प्राइस में तुमको इतना इंडिया का बेस्ट एजुकेटर्स मिल रहा है, डीसी पांडे सर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, सचिन कपूर सर पढ़ा रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स तुम्हें तुम्हारे पास यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सिर्फ तुम्हें ये कोड डालना है। कोड डालते ही तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा, एंड इस कोड से मुझे भी पता चलता है कि तुमने मेरी क्लासेस देखने के बाद ज्वाइन किया है, सो आई नो दैट यू आर माई स्टूडेंट्स, ओके। सो सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट यू गेट ऑल माई नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू एट 6 PM। थैंक यू।